माय नेम इज़ अक्षय एंड आई वेलकम यू टू माय गिटार मेथड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतने अच्छे से हम लोग का साथ दे रहे हैं, इतने अच्छे कमेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे हैं। तो एक पॉजिटिव माहौल है जो हमारी टीम महसूस कर रही है और उसी की वजह से हम पूरे मोटिवेशन के साथ जुटे हुए हैं कि हम आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बना पाएं जो आपको गिटार लर्निंग में पूरा हेल्प करे। तो इसलिए अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने और म्यूजिकल फ्रेंड्स के साथ जो म्यूज़िक सीखते हैं, गिटार सीखते हैं। बिसाइड्स दैट हम लोग का एक गिव अवे अभी भी चल रहा है, तो अगर आपने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है तो प्लीज़ इफ़ यू वॉन्ट, इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ पर्सनल सजेशन, मे बी दिस कैन बी योर चांस एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू यूजफुल इंसाइट्स अबाउट गिटार प्लेइंग। बिसाइड्स दैट हम लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप भी अभी शुरू कर दिया है और ऑलरेडी 100+ हम लोगों के मेंबर्स हो गए हैं। उसमें भी हम लोग की कोशिश ये है कि हम कोई ना कोई काम का और रेगुलर बेसिस पे कंटेंट डाल पाएँ जिससे कि आप लोगों का जो प्रैक्टिस है वो रेगुलर हो पाए। तो यू कैन चेक दैट आउट, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। और आज का जो लेसन है वो बिगिनर्स को ध्यान में रख के ही हम लोगों ने बनाया है, बिकॉज अगर ये गाने का अगर आप देखेंगे तो इट्स अ वेरी ओवररेटेड सॉन्ग। आई शुडंट से ओवररेटेड, बट बिकॉज ये होता है ना कि एक पर्टिकुलर गाने का टाइम चलता है, तो कह सकते हैं कि पिछले एक साल से ये गाना बहुत ज़्यादा चलन में है, उसकी वजह से इसके कुछ लेसन ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं, इसको अलग तरीके से प्ले नहीं कर रहे हैं, बट यस बिगिनर्स को ध्यान में रखते हुए उसको अच्छे से अच्छे और ईजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश हम करेंगे। तो अगर आप एक इंटरमीडिएट या एडवांस प्लेयर हैं तो आई एम सॉरी, देर इज़ नथिंग न्यू इन दिस लेसन फॉर यू, बट इफ़ यू आर अ बिगिनर, आपको एक दो महीने ही हुआ है, आपने कुछ कॉर्ड्स ही सीखे हैं, ओपन कॉर्ड्स, तो मे बी यू विल बी एबल टू फाइंड सम हेल्प फ्रॉम दिस। बिसाइड्स दैट एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग एक्सप्लेन करेंगे दैट इज़ कि शिफ्टिंग में जो प्रॉब्लम हो रही है ना, आपको बहुत सारे कमेंट्स में आता है हमारे पास कि शिफ्टिंग में प्रॉब्लम है, तो हम ट्राई करेंगे उसको रिलेटेड भी कोई प्रॉपर ट्रिक आपको मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ओ सनम के जो कॉर्ड्स हैं वो जी मेजर स्केल के हैं। देखिए कॉर्ड्स क्या होते हैं, कॉर्ड्स एक तरीके से एक कॉम्बिनेशन है, ग्रुप ऑफ थ्री नोट्स बेसिकली। तो वो हर गाना जो है पर्टिकुलर स्केल पे बेस्ड होता है। स्केल से हमारा मतलब होता है ग्रुप ऑफ नोट, जिस ग्रुप के नोट्स जो हैं उस मेलेडी में ज़्यादा काम में आए। ठीक है, आई होप कन्फ्यूजिंग ना रहा हो कि हर गाना एक स्केल पे बेस्ड होता है। और स्केल का मतलब क्या होता है, स्केल इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नोट्स जिसमें पर्टिकुलर नोट्स एक पर्टिकुलर फॉर्मूला के थ्रू पुट किए जाते हैं। और जब आप कोई भी गाना कंपोज करते हैं या फिर निकालते हैं या सुनते हैं बेसिकली, तो एक ऐसा पैटर्न देखने को मिलता है कि हम उन्हीं पर्टिकुलर नोट्स को बार बार अलग अलग ऑर्डर में यूज़ कर रहे होते हैं जिससे कि नया म्यूज़िक क्रिएट होता है। तो ये गाना जो है जी मेजर स्केल में है। जी मेजर स्केल क्या होती है, जी ए बी सी डी ई एफ शार्प जी, ये जी मेजर स्केल के नोट्स होते हैं। अब अगर हम इसमें आने वाले कॉर्ड्स की बात करें तो गाने में हमने जो कॉर्ड्स यूज किए हैं वो हैं जी मेजर, सी मेजर, ठीक है। अच्छा, जी मेजर को लेके आप चाहें तो जैसे ये जी मेजर है, जी मेजर ओपन है, हम दोनों फिंगर्स वाला जी ओपन भी लगा सकते हैं और एक फिंगर वाला भी लगा सकते हैं, इट्स अप टू यू। अगर आपको यही वाला जी मेजर प्ले करना है, अगर आप ऐसा प्ले कर सकते हैं जिसमें बार या फिर ऐसा आता है, तो वो भी वर्क करेगा इक्वली। बट गाने के फील को देखते हुए जी ओपन का जो साउंड है वो ज़्यादा प्रॉम्प्ट रहेगा। तो फर्स्ट जी मेजर कॉर्ड, सेकंड कॉर्ड जो होगा जो वो हमने यूज़ किया दैट इज सी मेजर कॉर्ड, ठीक है। अब सी मेजर कॉर्ड क्या है, जी मेजर स्केल में चौथे नंबर का नोट है, तो चौथे नंबर का कॉर्ड है वो एक तरीके से। तो ये हुआ हमारा सी मेजर कॉर्ड। तीसरा कॉर्ड जो हम लोगों ने यूज़ किया है दैट इज डी मेजर कॉर्ड, ये भी वन ऑफ द बेसिक्स कॉर्ड्स में से है, बिगिनर कॉर्ड्स में से है। ये ओपन कॉर्ड्स हमें एज ए बिगिनर सीखने होते हैं क्योंकि ये छोटे मोटे कॉर्ड्स प्ले करके ही हम लोग थोड़े से और एडवांस कॉर्ड प्ले कर पाएंगे। तो देखा जाए तो बहुत इजी गाना है कि ये मेन तीन कॉर्ड्स प्ले करके हम ये गाना प्ले कर सकते हैं। इस गाने में एक्सेप्शनली एक और कॉर्ड यूज हुआ है दैट इज ए मेजर कॉर्ड, ओके। एक्सेप्शनली क्यों बोला मैंने, क्योंकि नॉर्मली जी मेजर स्केल में ए मेजर कॉर्ड नहीं होता। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप ये मान सकते हैं कि एक रूल बुक होती है, कह सकते हैं कॉर्ड्स की एक रूल बुक होती है कि उसके अकॉर्डिंग ऐसा होता है कि अगर कोई गाना जी मेजर में है तो उसमें ए माइनर कॉर्ड आप यूज़ कर सकते हैं उस गाने में, लेकिन ए मेजर कॉर्ड यूज़ नहीं होना चाहिए आइडियली, अनटिल अनलेस आपका जो मेलेडी है उसमें वैसा चेंजेस है या वैसा पर्टिकुलर यूज़ किया गया है।
ओके तो इस गाने में हमने एक्सेप्शनली यूज किया है ए मेजर, तो वो स्केल के बाहर का कॉर्ड है, ऑफ कॉर्ड है. ओके बाकी मेनली हमने तीन कॉर्ड यूज किए हैं, जी मेजर, सी मेजर एंड डी मेजर. इस कॉम्बिनेशन को हम एक और तरीके से याद कर सकते हैं, वी कॉल इट 1-4-5. 1-4-5 का मतलब क्या हुआ? 1 स्टैंड्स फॉर जी. जी को 1 क्यों माना? क्योंकि जी मेजर स्केल है, तो जी हमारा पहला नोट है. फिर 4 क्या होगा? सी, जी ए बी सी चौथा नोट, तो वो हो गया 4. और डी हमारा पांचवा नोट है. तो 1-4-5 का कॉम्बिनेशन है ये गाना देखा जाए तो, और वही हमने इस गाने में प्ले किया है. ओके तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा. थोड़ी सी थ्योरी भी हमने समझाने की कोशिश की है. एज अ बिगिनर इट विल हेल्प यू. यू शुड ऑलवेज लर्न कॉर्ड्स विद द ऑर्डर ऑल्सो, कि आपको पता होना चाहिए कि इसका प्रोग्रेशन क्या है या इसको कौन सी स्केल में है. धीरे धीरे यू विल स्टार्ट टू गेटिंग इट. वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन अ डिफरेंट सेपरेट थ्योरेटिकल वीडियो ऑल्सो. ओके तो देखते हैं कितना अच्छे से आप प्ले कर पाते हैं. ओ सनम का जो रिदम है, या पहले टाइम सिग्नेचर की बात करते हैं. टाइम सिग्नेचर क्या होता है? टाइम सिग्नेचर होता है कि हम किसी गाने की काउंटिंग में कितने बेस काउंट्स ले रहे हैं बेसिकली. कि जैसे किसी भी चीज़ के साथ जब हम क्लैप करते हैं तो वो एक हमारा बेसिक फॉर्मेट होता है कि भाई हाँ 1-2-3-4, 1-2-3-4 के काउंटिंग में चल रहेगा. तो ये गाना भी क्योंकि एक तरीके से कॉमन सॉन्ग्स जैसा ही प्रोग्रेशन है, तो उसका टाइम सिग्नेचर इज 4. इसका मतलब ये हुआ कि हमें नॉर्मल स्ट्रमिंग पैटर्न ही इसमें यूज़ करना है. अब नॉर्मल स्ट्रमिंग पैटर्न कौन से होते हैं? ऐसे स्ट्रमिंग पैटर्न जो बहुत सारे गानों में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज 4 के काउंटिंग वाले बहुत सारे सॉन्ग्स होते हैं. तो इस गाने में हमने जो स्ट्रमिंग पैटर्न यूज़ किया है वो है डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन. ठीक है, एक तो ये वेरिएशन है जो आप इस गाने में यूज़ कर सकते हैं. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन. ओके अगर आपको इसको फ्लो में बजाने में थोड़ा दिक्कत होता है तो एक और दूसरा वेरिएशन जो आप इस स्ट्रमिंग इसकी स्ट्रमिंग में यूज कर सकते हैं, इट कैन बी डाउन अप अप डाउन अप अप डाउन. ठीक है, देखिए थोड़ा सा टाइम को अंडरस्टैंड करने वाला मामला है. हो सकता है आपको बहुत कन्फ्यूजन होता होगा इन डाउन और अप से, बट आई वुड रियली रिकमेंड दैट एटलीस्ट हमें एक या दो रिदम थोड़ी सी फ्लो में आ जाने के बाद ये चीज़ें ऑटोमेटिकली समझ में आने लग जाती हैं. वी आर ट्राइंग हार्ड कि हम इस पर एक अलग लेसन भी बना पाएं. आई होप दैट विल हेल्प. ओके फिर से वेरिएशन 1 जो आप यूज़ कर सकते हैं, दैट इज डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन. स्पेसिस का ध्यान रखें कि पहले डाउन के बाद स्पेस है, फिर पूरा 4 का ग्रुप है, फिर स्पेस है, फिर 4 का ग्रुप है. दूसरा वाला जो वेरिएशन था उसमें है डाउन अप अप डाउन. ठीक है, ये हुआ इनका बेसिक्स. दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, गलत नहीं होगा. फिर इसमें लास्ट बीट पे हम चाहें तो एक डाउन अप ऐड करके उसको और कनेक्टिव फील दे सकते हैं. जैसे हमारा वो वाला था डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप, एक डाउन अप और ऐड कर देते हैं अगर हम लास्ट में, तो वो थोड़ा सा कनेक्टेड फील करता है. जैसे एक तो मैं सिंपल बजाऊंगा डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन कॉर्ड चेंज, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन कॉर्ड चेंज. इस तरीके से एक में अगर बीच में फिलर डालता हूँ जो कनेक्टर स्ट्रम, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप, तो वो डाउन अप जो है वो एक ऑप्शनल पार्ट है जो धीरे धीरे आपकी गिटारिंग को एडवांस बनाता है. बट अगर आप बिगिनर हैं और वो चीज़ आपको ज़्यादा कन्फ्यूज कर रही है तो प्लीज़ डोंट ट्राई इट. डायरेक्टली बेसिक्स पे रहें, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, या फिर जो दूसरा स्ट्रमिंग था हमारा डाउन अप अप डाउन अप अप डाउन डाउन अप अप डाउन अप अप डाउन डाउन अप अप डाउन अप अप डाउन. ठीक है, उसमें भी हम चाहें तो फिलर डाल सकते हैं, जैसे डाउन अप अप डाउन अप अप डाउन डाउन अप डाउन अप अप डाउन अप अप डाउन डाउन अप डाउन अप अप डाउन अप अप डाउन डाउन. तो ये जो लास्ट का डाउन अप है दैट इज एन ऑप्शनल स्ट्रम, वो तभी ट्राई करें जब आप थोड़ा कंफर्ट में आ जाएं रिदम को लेके. तो आई होप इट विल हेल्प यू आउट एंड यू विल बी प्लेइंग दिस सॉन्ग वेरी वेल. ओके तो अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की. देखिए हमने कॉर्ड सीखे अलग अलग, पहले हम कॉर्ड्स क्लियरली बजाएंगे, फिर हमने अलग से इसका स्ट्रमिंग सीखा. धीरे धीरे दोनों का प्रैक्टिस करना है. अब उनको किस ऑर्डर में पुट करना है उसके लिए हम ये सेपरेट पार्ट रखते हैं. तो स्ट्रक्चर में क्या करना है, जो हमिंग वाला पार्ट है उसमें एक ही प्रोग्रेशन चल रहा है, दैट इज जी पूरा पूरा स्ट्रमिंग, सी ए मेजर एंड डी मेजर. ओके
तो जो हमिंग वाला पार्ट है उसके लिए हम लोग यही चार पार्ट यूज करेंगे और बार बार यूज करेंगे। ये हुआ नंबर वन। नंबर टू जो हम लोग यूज कर रहे हैं दैट इज जी, जहां से शाम सवेरे स्टार्ट होता है, यादें आती हैं सी। तो यहां पे पूरा पूरा स्ट्रमिंग था, कोई दिक्कत नहीं है। डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन फिर तड़पाती है। यहाँ पे थोड़ा सा एक डिफरेंट चीज किया है जो कई बार बिगिनर्स उसमें उलझ जाते हैं, तो उसको कैसे सही करना है। यहाँ पे पूरा स्ट्रमिंग पैटर्न है डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, या फिर अगर आप कर रहे हैं डाउन अप डाउन अप डाउन, दोनों सही है। आगे जाके क्या करना है, सी और डी में आधे में चेंज करना है, पूरा एक स्ट्रमिंग पैटर्न एक कॉर्ड पे नहीं खत्म करना। तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं सी से स्टार्ट करूंगा, जैसे सी से डी जाना है, तो डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, स्क्रीन पे भी हमने इसलिए दिया है, लाइक डाउन अप डाउन अप डाउन, इसी डाउन पे नेक्स्ट डी लग जाना चाहिए और बचा हुआ अप डाउन भी उसी पे कवर कर लें। ओके, तो डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, क्योंकि आगे ओ सनम वाले पार्ट में भी यही प्ले हो रहा है, आधा आधा है स्ट्रमिंग। तो क्या किया, सी पे किया डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, इस तरीके से। तो इसका अलग से प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा फ्लो में बजाएंगे। ओके, और जहां तक कॉर्ड्स क्लियर करने की बात है, तो कॉर्ड्स क्लियर करने के लिए नो डाउट आपको अल्टीमेटली प्रैक्टिस बढ़ानी होगी। एक पर्टिकुलर थ्रेशहोल्ड है जो हमें तोड़ना होगा, तभी हम लोग वो क्लियर कॉर्ड लगा पाएंगे। इट्स ऑल अबाउट हाउ मेनी टाइम्स हैव यू डन इट। मतलब मैं अपने स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि आप 1000 times का वो लेके चलें, कि अगर 1000 बार आपने नॉर्मल पोजिशन से ये कॉर्ड लगाया है तो नो डाउट यू विल बी एबल टू गेट दैट। तो सोच लीजिए अगर आपने 1000 बार ये चीज़ की है तो हो जानी चाहिए, और अगर 1000 बार नहीं किया है तो कर लीजिए, और करने के बावजूद भी 1000 बार करने के बावजूद भी नहीं हो रहा है तो हो सकता है हमारे टेक्निक में कुछ इश्यू, तो मे बी समडे वी विल डिस्कस अबाउट इट आल्सो। ओके, तो ये स्ट्रक्चरल पार्ट है जो आपको क्लियर रखना है। अब गाने के इंट्रो में एक चीज़, और गाने के बीच बीच में हमने एक छोटा सा ये एलिमेंट भी डाला है, ठीक है, एक छोटा सा रिफ बोल सकते हैं इसको। इसको कैसे प्ले करना है, ये हो सकता है बिगिनर्स के लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो, प्लीज अवॉइड इट, डोंट प्ले इट अवे, जस्ट सीधा सिंपल कॉर्ड्स में गाना गाओ और मस्त रहो। धीरे धीरे जैसे आपका लेवल बढ़े देन यू कैन ट्राई। तो इस पार्ट में हम एक्सप्लेन करेंगे, ओके, तो क्या करना है, सबसे पहले आपको एक टेक्निक सीखनी है जिसको कहते हैं हैमर, ठीक है। तो हैमर में क्या होता है, हमारा इंडेक्स फिंगर, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने रखा 2nd fret ऑफ 6th string, और उसको प्रेस करने के बाद एक बार हिट किया, अब जो ये कांस्टेंट हमारा साउंड आ रहा है दूसरा, हमें मिडिल फिंगर को नेक्स्ट फ्रेट पे लाके इसको डिस्टर्ब करना है। अब ये जो नेक्स्ट फिंगर मिडिल फिंगर मैं लेके आ रहा हूं इधर, इसको इतना जोर से लाना है कि ये लिटरली उससे टकराए। पहले आपको ये प्रैक्टिस करनी है अलग से, ठीक है। तो पहली चीज तो वही है, अब गाने में अप्लाई करने के लिए हमें ये चीज 2 बार बजानी है बैक टू बैक। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, 2 to 3 मैंने हैमर किया, और फिर 3 पे एक बार हैमर्स की हैमर होने की वजह से आवाज आई, और एक बार मैं हिट करूंगा एक्स्ट्रा, सो टन 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 टन। ओके, वन मोर टाइम, ओके, तो एक साथ फिर से देखते हैं। जी मेजर लगाए लगाए ये चीज ट्राई करते हैं, फिर से ओके। अब नेक्स्ट पार्ट, जो नीचे के 2 strings हमने प्रेस किए हुए हैं, 1st string और 2nd string, उस पर हमें स्ट्रमिंग पैटर्न के हिसाब से प्ले करना है, अप डाउन अप डाउन। ओके, सो टुगेदर
हम अप अप डाउन भी प्ले कर सकते हैं, जैसे ये चलेगा, या फिर अप अप डाउन, तो जब फ्लो में प्ले करेंगे लोग ये बजा पाए और कूल साउंड कर पाए। तेरी यादें आती है आके दिल को मेरे यूं तड़पाती है, ओ सनम मोहब्बत की कसम। आशा करता हूँ कि ये बिगिनर बेस्ड लेसन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो, आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस, कमेंट कीजिए, बताइए कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, हम लोग सुधरने की कोशिश करेंगे। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे दिया हुआ है। इंस्टाग्राम पे हम अब लाइव आने वाले हैं टाइम टू टाइम, तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। हम लोगों का मोटो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग गिटार लर्निंग कम्युनिटी डेवलप करना, तो आई होप यू विल हेल्प अस इन दैट, एंड टिल देन कीप अप द प्रैक्टिस, कीप अप द पेशेंस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।